अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। बड़ा अहम क्वेश्चन जो कि डेली बेसिस पे मेरे साथ काफी सारे लोग करते हैं, पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए कैसे मेंटेन करें, बैंक स्टेटमेंट को क्या मेंटेन किया जा सकता है, क्या चलाया जा सकता है उस तरीके से कि यूके वालों को पसंद आ जाए और यूके वाले जो है वो वीजा दे दें, ये इसकी क्या तरीकाकार है, क्या मामला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी मालूम जो कि आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको रन करने के हवाले से। आजकल एक बड़ी अहम चीज चल रही है जो कि हर कंसल्टेंट है, हर एजेंट जो है वो कहते हैं आपको कि आप अपने अकाउंट में बिजनेस अकाउंट अलग खुलवाएं, पर्सनल अकाउंट अलग खुलवाएं, और आप जो है वो बिजनेस से पर्सनल में इतने पैसे हर महीने ट्रांसफर करें, 5 लाख करें, 4 लाख करें, और जब आप अपना वीजा अप्लाई करेंगे और तो आपको वीजा मिल जाएगा, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे होंगे उसमें से इतने इस्तेमाल करें, उतने सेविंग में रहने दें, इतना खर्चा आपने बयान करना है, आपका वीजा लग जाएगा। क्या ऐसी बेसिस के ऊपर वीजे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्या इस तरह के मामलात हो रहे हैं, आज आपके साथ मैं तमाम तर मालूमात शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ये वाली जो प्रैक्टिस है ना कि आप पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें अपने बिजनेस अकाउंट से और उसमें से इतने इतने पैसे और फिक्स्ड अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करें, फिक्स्ड अमाउंट का जो मामला है वो अब थोड़ा सा संगीन हो चुका है। आप समझते हैं कि शायद आप इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट चला रहे होंगे और आपको जो है वो वीजा बड़ा इजीली मिल जाएगा, तो अम्बेसी कोई ना कोई वीजा ऑफिसर कोई ना कोई बहाना देखेंगे कि आपका वीजा कहाँ से किस तरह से किस वजह से जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब जो मेरे पास कुछ लोगों की रिसेंट रेफ्यूजल्स आई और वो लेकर आए और उनके पास जो लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था वीजा ऑफिसर्स ने, ये मेंशन किया हुआ था कि हमें पता है कि दोनों अकाउंट्स जो हैं वो आप रन करते हैं और दोनों अकाउंट्स के मालिक आप हैं, आप तो जितनी चाहे मर्जी इनकम अपने बिजनेस से पर्सनल में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस चीज का क्या सबूत है कि वाकई आपकी इनकम इतनी ही है जो कि आपकी हर महीने ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। एज अ बिजनेस मैन आप अपने आप को तनख्वाह दे रहे हैं, आप अपने आप को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या ये वाकई जस्टिफाइबल है कि नहीं है? तो वो वाकई इस चीज के ऊपर लोगों के वीजा जो हैं वो रिफ्यूज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के वीजा रिफ्यूज हुए हैं, बहुत सारे लोगों के रिफ्यूजल नहीं हुए, लोगों को वीजाज भी मिले हैं इस प्रैक्टिस के ऊपर, काफी सारे लोगों को वीजाज मिले हैं। लेकिन यूके एम्बेसी जो यूके के हाई कमीशन है और जो इसके वीजा ऑफिसर हैं, अब ये इस बात को समझ गए हैं कि हमने बैंक स्टेटमेंट जो है वो उनको उस तरीके से चलाना सीख लिया है और अब वो इस चीज के ऊपर भी एतराज लगाना शुरू कर रहे हैं। अब आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कैसी करनी है, किस तरह की स्टेटमेंट मेंटेन करनी है कि आपका वीजा जो है वो प्रोसेस हो जाए और वाकई जो है वो वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो और इवन फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप जो है वो यूके का वीजा हासिल करें। सबसे पहली चीज, सबसे अहम चीज एक तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा आपकी स्टेटमेंट ऑर्गेनिक होगी उतने ज्यादा आपके वीजा लगने के चांसेस होंगे। अब ऑर्गेनिक स्टेटमेंट क्या होती है? ऑर्गेनिक स्टेटमेंट ये होती है कि आपने अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई भी पैसे नहीं डाले, ना ही आपने अपने पैसे उसमें डिपॉजिट किया, ना ही विड्रॉ किया, बल्कि वो ऑटोमेटिकली चल रही है। बिजनेस के अकाउंट तो ऑटोमेटिकली चल ही रहा होता है। अब लोग क्या होता है कि जब अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देते हैं, कभी उसकी अकाउंट से पैसे मंगवा रहे हैं, कभी उसको सेंड कर रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट ऑर्गेनिक नहीं होती। ऑर्गेनिक स्टेटमेंट क्या होती है? ऑर्गेनिक स्टेटमेंट ये होती है, मैं अपने कारोबार का जो है वो आपसे थोड़ी सी केस स्टडी बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। मैंने अगर किसी से पैसे लेने होते हैं, वो चाहे पिशावर से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, गुजरांवाला से हैं, सियालकोट से हैं, गुजरात से हैं, मुल्तान से हैं, कोई भी सिटी से हैं, किसी भी सिटी से हैं, वो लोग जो हैं वो मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मेरे अकाउंट में पेमेंट जो है वो किसी भी जगह से आ रही होती हैं, लाहौर से आ रही हैं, कराची से, फैसलाबाद से, कहीं से भी आ रही हैं, सो एंड सो, वो एक ऑर्गेनिक स्टेटमेंट मेरी चलती आ रही है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मुझे जो है वो आपने हर महीने इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, बल्कि मैंने ये कहा मेरी सर्विसेज के इतने पैसे हैं, आप मुझे ट्रांसफर कर दें, लोग मुझे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक बनती जा रही होती है और वो जो वीजा ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो ये गलतियां निकालने नहीं बैठे हुए कि आपके अकाउंट में 15 रुपए ज्यादा आए हैं तो क्यों आया, अगर 15 रुपए कम आया तो क्यों आया, वो भी वीजा असेस करके देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि स्टेटमेंट बनाई गई है और ये जो है वो एक तरीके से चलाई गई है दानिस्ता तौर पे, तो वो वीजा नहीं देंगे। हाँ, जब आपके अकाउंट का एक ऑन एन एवरेज हर मंथ जो ट्रांजेक्शन आ रही हैं और उनकी एवरेज एक अच्छे तरीके से मेंटेन हो रही है और उसमें हर महीने आ रहा है 5 लाख आ रहा है, 4.5 लाख आ रहा है, किसी महीने 5.5 लाख आ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम हर वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है, किसी महीने ज्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी पेमेंट्स वगैरह आप मंगवा रहे हैं वो अपने बिजनेस अकाउंट में मंगवाएं,
और आपने डेली के हिसाब से या वीकली ही के हिसाब से जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट में जो जो प्रॉफिट आपका बचता जा रहा है वही ट्रांसफर करना। जरूरी नहीं है कि आप 10,000 ट्रांसफर करें, जरूरी नहीं है कि आप 15,000 ट्रांसफर करें, जरूरी नहीं है कि आप 5-5 लाख इकट्ठा ट्रांसफर करें। आपने क्या करना है कि आपकी अगर ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस अकाउंट में और आप अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉफिट भेजना चाह रहे हैं तो 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 कर करके इस तरीके से भेजें। इस तरीके से आपने अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे भेजे हुए होंगे जब उसकी महीने के एंड की एवरेज निकाली जाएगी तो वो भी 4-5 लाख के बराबर ही आएगी। ठीक है, जब वो 4-5 लाख के बराबर आएगी एवरेज, अगले महीने भी ऐसा होगा, उससे अगले महीने भी होगा, 6 महीने की स्टेटमेंट में ऐसा दिख रहा होगा, तो वीजा ऑफिसर ये चीज देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, वाकई इनकी जो है वो बिजनेस से ही इनकम आ रही है और ये कोई फिक्स अपने आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये अपने आपको सैलरी का नहीं बता रहे हैं फिक्स के मेरी सैलरी इतनी और मैं अपने आपको पैसे दिए जा रहा हूँ, बल्कि वो ये देखेंगे कि बिजनेस अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन होती है और जो पैसे बच जाते हैं पर्सनल अकाउंट में भेजे जाते हैं। एक महीने में पर्सनल अकाउंट में 6 लाख भेजा गया, अगले महीने में 5.5 लाख भेजा गया, उससे अगले महीने में 6.25 लाख भेजा गया, तो जब 6 महीनों की एवरेज आ रही है वो एवरेज जो है वो निकलती है पर मंथ जो 5 लाख के हिसाब से कि हमने एवरेजली इतने पैसे जो है वो बिजनेस से पर्सनल में ट्रांसफर किए थे और उसी हिसाब से हमने अपने रिटर्न को भी फाइल कर दिया और हमें जो है वो वीजा ग्रांट कर दे, तो इस तरीके से वीजा जो है वो ग्रांट हो जाता है। अब ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए लागू नहीं होती जिन लोगों के पहले वीजा लग चुके हैं। जिन लोगों के लग चुके हैं वो सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, वो किसी भी स्टेटमेंट पे अप्लाई कर दें, किसी तरह की भी स्टेटमेंट पे कर दें, उनको वीजा मिलने के चांसेस 95% से ज्यादा ही है, अनटिल अनलेस कि उन्होंने यूके में जाके कोई ऐसी एक्टिविटी ना की हो, तो आपकी अब जैसी भी स्टेटमेंट चल रही है वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि आप एज अ बिजनेसमैन आप अपने आप को सैलरी देते रहें, पहले इन चीजों के ऊपर वीजा मिलते रहे हैं, अब भी मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिल रहे, लेकिन अब जो है वो इस चीज को ज्यादा क्रिटिकली देखा जा रहा है कि आया कि वाकई बंदे ने स्टेटमेंट को चलाया हुआ है या ऑटोमेटिकली चली हुई है। तो आपने जो है वो अपना जो प्रॉफिट बचता जाता है वो बिजनेस से पर्सनल में आपने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर ही जाना है, आपने जो है वो उस चीज को नहीं रोकना, आपके अकाउंट की स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के सारे मामला जो है वो बिल्कुल ठीक चलते जाएंगे। तो जब आप अपनी 6 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे आप खुद उसके अंदर देखेंगे कि यार एक तो मेरी पर्सनल अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी इतनी ज्यादा हो गई, एवरेज भी मेरी 5 लाख के बराबर निकल गई, पैसे भी सारे बिजनेस से आ रहे हैं और पता लग रहा है कि मैं जो बिजनेस अकाउंट में ट्रांजेक्शन करके कमा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक तरीके से कमा रहा हूँ। जब आप अपनी स्टेटमेंट पे सेटिस्फाई होंगे तो आपका वीजा ऑफिसर भी इस स्टेटमेंट पे सेटिस्फाई होगा। बहरहाल बाकी जिन लोगों ने स्टेटमेंट 4 लाख या 5 लाख एक फिक्स्ड के हिसाब से बना ली हुई है वो जरूर वीजा अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि उनको वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपके साथ आने वाले दिनों की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ, जो लोगों के साथ हो चुका हुआ होता है वो भी आपको मैं बता रहा होता हूँ, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है इन चीजों, और कोशिश करें। टैक्स की रिटर्न हम तो नहीं लगाते क्योंकि जाहिर बात है टैक्स की रिटर्न लगने के काबिल ही नहीं होती है, लोगों की टैक्स की रिटर्न ना लगना भी वीजा रिफ्यूजल की एक बहुत बड़ी वजह है, लोगों के वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि आप अपनी टैक्स की रिटर्न भी अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली फाइल कर दें, आपका वीजा रिजेक्ट ही नहीं होगा, आपकी टैक्स की रिटर्न में भी उतनी इनकम होगी, आपकी बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में भी जाने वाली इनकम उतनी ही होगी, आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। ये वो लोग जो के स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं जिन लोगों का टैक्स के रिटर्न्स का मसला होता है और वो सिर्फ स्टेटमेंट चला के वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि अब इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट चलाएं ताकि अब वाकई आपकी स्टेटमेंट ऑर्गेनिक लगे और अच्छी स्टेटमेंट लगे। बाकी जिन लोगों ने 5-5 लाख के हिसाब से अपनी सैलरीज ट्रांसफर करके स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो अपना वीजा जरूर अप्लाई करें, ऐसा नहीं है वीजा नहीं मिलेगा, वीजा मिलने के चांसेस जरूर होंगे, लेकिन अब इन चीजों के ऊपर एम्बेसी जो है वो आपको रोक सकती है, पकड़ सकती है, तो इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।